नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विशाल डिजिटल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल सरकार और दोस्तों आज हम अपने चैनल पर दो चीज़ें कवर करने वाले हैं। पहला कि जब हम कोई भी फाइल अपने मोबाइल या कंप्यूटर में डिलीट करते हैं तो आखिरकार कंप्यूटर के अंदर होता क्या है, ये पूरा मेकानिज़म कैसे काम करता है। और दूसरा कि क्या आप अपने कंप्यूटर से पेन ड्राइव को ऐसे ही लगे लगे खींच के निकाल सकते हैं। कई लोग मना करते हैं, बोलते कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, पेन ड्राइव को इजेक्ट करके ही निकालना चाहिए। तो आखिरकार इसके पीछे का सच क्या है, क्या है इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर, तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो जो है लाता रहता हूँ, तो उसका आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि आखिरकार डेटा डिलीट होने के बाद क्या होता है। दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब आप अपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल डिलीट करते हैं तो वो आपको रिसाइकल बिन में नज़र आता है, राइट। लेकिन अगर आप उस रिसाइकल बिन से भी उस फाइल को हटा दें तो वो कहाँ जाती है। देखिए, वो फाइल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही डिलीट होता है, लेकिन वो असली में आपकी हार्ड डिस्क में रहती है। वहाँ से सिर्फ फोल्डर से उस फाइल की एंट्री हट जाती है, मतलब एक हार्ड डिस्क में वो फाइल रहती है लेकिन वो आपको नज़र नहीं आता। उसकी जो रजिस्ट्री है, मतलब उसका जो नाम है, उसकी जो रजिस्ट्री है, वो सिर्फ आपके हार्ड डिस्क से हट जाती है, मतलब उस फोल्डर में उस नाम की कोई भी फाइल नहीं रहती। लेकिन वो फाइल तब तक आपकी हार्ड डिस्क में रहेगी जब तक आप उसमें कोई दूसरी फाइल नहीं डाल देते, तब वो ओवरराइट हो जाएगी। समझे मेरी बात? तो अगर मैं आपको आसान शब्दों में कहने की कोशिश करूँ तो मान लीजिए मेरे पास एक कंप्यूटर है जिसमें कि दो फाइल स्टोर करने की जगह है, ए और बी। मतलब मेरे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में दो फाइल स्टोर करने की जगह है, ए और बी। मैंने ए नाम की फाइल को डिलीट कर दिया तो यहाँ से सिर्फ मेरे कंप्यूटर से ए नाम की फाइल की जो नाम है, जो रजिस्ट्री है, वो हटी है। हार्ड डिस्क में वो ए फाइल अब भी है और कब तक रहेगी? जब तक मैं उसमें कोई दूसरा, मतलब कि मान लीजिए सी नाम का कोई फाइल उसमें नहीं डाल देता, तो क्या होगा कि वो जो फाइल है वो ओवरराइट हो जाएगी, तब जाके वो ए नाम की फाइल हटेगी। अगर मैं एक और एग्जांपल देने की आपको कोशिश करूं तो मान लीजिए एक स्कूल है, उस स्कूल में कोई बच्चा जाता है, तो वो बच्चा अब जाएगा तो कई बार होता है ना कि बच्चे का नाम काट देता है, तब क्या बच्चा थोड़ी मर जाता है, बच्चा तो रहता है लेकिन क्या है कि उसका रजिस्ट्री से उसका नाम हट जाता है। लेकिन जब कोई दूसरा बच्चा वो स्कूल में आता है तो क्या होता है कि उसके जगह वो बच्चा जब आ जाता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, मतलब वो स्कूल में वापस नहीं जा सकता। उसका रजिस्ट्री हटा था, लेकिन अगर उसके पेरेंट्स आके बोलते कि नहीं मेरे बच्चे को ले लो स्कूल में, तो वो आ सकता था। लेकिन एक ही अगर सीट था तो अगर कोई दूसरा बच्चा आके उस सीट में घुस गया तो वो बच्चा क्या हो गया, मतलब वो फिर से नहीं आ सकती। इसीलिए डेटा रिकवरी का जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसे ही काम करता है। क्या होता है कि मान लीजिए आपका कोई फाइल डिलीट हो गया, तो क्या कई लोग मना करते कि आप अगर आपकी फ़ाइल डिलीट हो गया है तो आप उसके ऊपर कोई दूसरा फाइल मत चढ़ाइए जब तक आप उसको फिर से रिकवर ना कर लें। अगर आपने उसके जगह कोई दूसरा फाइल उसके ऊपर डाल दिया तो क्या होगा कि वो बाद में रिकवर नहीं हो पाएगी। तो इसी तरह से जो है वो डेटा रिकवरी के जो सॉफ्टवेयर है वो इसी तरह से काम करता है। मतलब वो क्या करता है कि जो फाइल डिलीट हुई उसके जो रजिस्ट्री का नाम है वो फिर से लौटा देता है, क्योंकि आपके हार्ड डिस्क में वो पहले से ही स्टोर रहती है, सिर्फ उसकी रजिस्ट्री हटी थी, क्योंकि वो रजिस्ट्री को वो जो सॉफ्टवेयर है वो ला दी, तो रजिस्ट्री और जो असली फाइल है उन दोनों के बीच कनेक्शन बन जाती है और आप उसको ब्राउजिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझा पाया हूँ। और अभी चलते हैं अपने दूसरा क्वेश्चन की तरफ कि क्या आप अपने कंप्यूटर से पेन ड्राइव को ऐसे ही लगे लगे खींच के निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैक में और लिनक्स में जो है वो एक मतलब कैचे का एक आदान प्रदान होता है, डेटा का आदान प्रदान होता है। आप जानते हैं कि पेन ड्राइव कब करप्ट होता है? जब डेटा आदान प्रदान हो रहा होता है और उसी बीच आप अपने अगर पेन ड्राइव को खींच लेंगे तो क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो करप्ट हो जाएगा, आपके जो पेन ड्राइव है वो करप्ट हो जाएगी। लेकिन विंडोज़ में ये सिस्टम नहीं है। आपने देखा होगा कि अगर आप कभी बड़ी जो फाइल है उसको अगर आप कभी कॉपी करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो मतलब इंस्टेंट कॉपी नहीं होती। पहले क्या होता कि चेकिंग होता है कि कितना बड़ा फाइल है, फाइल को वो चेक करता है, कितने सारे आइटम्स है उसको वो चेक करता है और उसके बाद कॉपी स्टार्ट होती है। ये मैक और लिनक्स के में बेस में होता है कि जब आपका जो कॉपी है वो चल रहा होता है और जो मूव है वो जो भी आप कह सकते हैं पेन ड्राइव में कुछ हो रहा होता है, तब क्या होता है कि जो आपका लिनक्स है और मैक है, मैक मतलब जो एप्पल के लैपटॉप्स में आते हैं, उसमें क्या होता है कि एक और डेटा का भी आदान प्रदान होता है। लेकिन विंडोज़ में ये नहीं होती। तो क्या होता है कि विंडोज़ में नहीं होती, मतलब आप मैं बता दूँ कि विंडोज़ से आप पेन ड्राइव को खींच के निकाल सकते हैं, इसमें
कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। विंडोज़ से आप जब चाहे आप अपने पिन ड्राइव को निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप मैक और जो लिनक्स है उसमें करेंगे तो शायद आपका पिन ड्राइव करप्ट होने के डर बना रहेगा। लेकिन विंडोज़ में भी आप अगर अपने आदत को सुधारना चाहते हैं तो आप इजेक्ट कीजिए, इजेक्ट करने के बाद ही पिन ड्राइव को निकालिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मैं आपको ये दोनों टॉपिक ही अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट कीजिए। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।